सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए भेजा प्रस्ताव, आदिवासी आरक्षण होगा मुद्दा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें सीजीआई राष्ट्रपति, मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीओके शरणार्थियों के लिए 8 सीटें डी फ्रीज कर सकती है केंद्र, वकील आदित्य शर्मा बोले सरकार की तरफ से होगा बड़ा तोहफा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बड़ा बयान, बोले भारतीयों की नई पीढ़ी ने सरकार पर बढ़ाया काम करने का दबाव, मीडिया भी रहे चौकन्ना। गुजरात के खेड़ा में कॉटन के गोदाम में भी सड़ाग, फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रगति और समृद्धि पर नकारात्मक असर डालते हैं आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। चिराग पासवान ने कुलियों को चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने की उठाई मांग, रेल मंत्री को लिखा पत्र। आरजेडी नेता ने ओवैसी को बताया भाजपा की बी टीम, कहा तेलंगाना में नहीं लड़े और गोपालगंज में लड़कर हमें हराया। जनगणना और एनपीआर डाटाबेस महत्वपूर्ण सूचना, अवसंचारना गृह मंत्रालय ने संरक्षित करने की जारी की अधिसूचना। तमिलनाडु डीएम के सहयोगियों की राष्ट्रपति से मांग, गवर्नर को बर्खास्त करें, सांप्रदायिक घृणा भड़का रहे। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके, एमपी सेंटर नेपाल में 6 की मौत, 6.3 मापी गई तीव्रता, 1.5 घंटे से 2 बार हिली धरती। पूरे फंसे मरुघमठ के प्रमुख, बेडरूम में ड्रग्स, बच्चियों से दुष्कर्म, पुलिस की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे। केंद्रीय मंत्री ने खराब बस को लगाया धक्का, बिलासपुर के तल्याणा में हुई खराब, अपनी गाड़ी से उतर कर धक्का लगाने पहुंचे अनुराग ठाकुर। बेटी भतीजे और भाई समेत कार नहर में कुदादी, मौत से पहले बनाया वीडियो, पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप लगाए। बत्तीस महीनों में कोरोना से एक भी मौत नहीं, देश में अप्रैल 2020 के बाद बीते 24 घंटों में सबसे कम 625 नए मरीज मिले। कानपुर हिंसा में जमानत पर छूटे 5 संदिग्ध, रडार पर पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की एनआईओ को तलाश, 2 संदिग्ध बासमंडी से उठाए, 1 फरार। बाराबंकी में नाव पलटने से 30 डूबे, 3 की मौत, युवक बोला मैंने 5 लोगों को पानी से बाहर निकाला, 3 घंटे लगातार किया रेस्क्यू। फरुखाबाद में बहन प्रेमी का गला काटने वाले भाइयों के खूंखार चेहरे, 1 घंटे तक दोनों को डंडे से पीटा, फिर चाकू से गला रेत कर मरने तक तड़पता हुआ देखा। कानपुर में भिखारी गैंग में शामिल मां बेटे अरेस्ट, कानपुर से लड़कों और महिलाओं को कराते थे किडनैप, अपाहिज बनाने के बाद दिल्ली मुंबई में बेच देते थे।
गाजियाबाद में नरसिंहानंद गिरी पर एफआईआर। यति ने कहा था पृथ्वीराज चौहान ने किसी हिंदू को नहीं छोड़ा, यही काम आज हो रहे। आजमगढ़ में किसानों के आंदोलन को धार देंगे टिकैत। जमीन अतिग्रहण के विरोध में 28 दिन से किसानों का चल रहा धरना प्रदर्शन। कानपुर में तेंदुआ से बचने का अनाउंस। अग्निवीर भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं में दहशत। गन फैक्ट्री और इलाके में सर्चिंग। पूर्व बसपा एमएलए ने स्वीकारी 100 करोड़ की अघोषित आय। 12 शहर, 35 ठिकाने और 85 घंटे चली आईटी की सर्च। रिपोर्ट दिखाकर मुफ्त में पीजिए डेंगू चाय। प्रयागराज में चाय विक्रेता की अनूठी पहल। दिन भर डेंगू चाय पीने वालों की लग रही भीड़। इटावा में डीएपी की किल्लत। अधिकारी खाद होने का कर रहे दावा। किसान बोले घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही डीएपी। बलरामपुर में ट्रक से लाखों की बेशकीमती लकड़ी बरामद। टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। साखू के पेड़ों का हुआ था अवैध कटान। बिजनौर में गंगा स्नान के दौरान डूबा युवक। दोस्तों संग उधम सिंह नगर में आया था घूमने। गोताखोरों की टीम कर रही तलाश। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। 4 की मौत, 1 गंभीर। अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। संभल से दिल्ली जा रहे थे सभी। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत। परिजन बोले शराब पीने का था आदि, खाना खाने के बाद सो गया था। पड़ोसी ने की दरिंदगी। 5वीं क्लास में बच्ची हुई गर्भवती। बोली पेट में भारी लगता है, बहुत दर्द होता है, मन करता है इसे निकाल दूं। सुल्तानपुर में 3 सीओ के कार्य क्षेत्र में बदलाव। एसपी ने 26 दरोगा का किया तबादला। 56 सिपाहियों के स्थान भी बदले। उन्नाव में रिश्वत लेने वाला बाबू निलंबित। सीएमओ ने की कार्रवाई। छात्र से मेडिकल बनाने के नाम पर मांगी थी रकम। फरुखाबाद में फंदे से लटका मिला युवती का शव। परिजनों का कोचिंग संचालक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शिया धर्मगुरु से 25 लाख की धोखाधड़ी। मस्जिद निर्माण के लिए जमीन खरीदने को दी थी रकम, बैनामा दूसरे को किया। कुशीनगर में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिना सूचना गैर जनपद दबिश देने पहुंची थी पुलिस। एसपी ने की कार्रवाई। कानपुर में डेंगू ने तोड़ा 2 साल का रिकॉर्ड। पॉजिटिविटी रेट 33% के पार। बुखार आने के बाद अचानक गिर रही प्लेटलेट्स। बागपत में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए वाहनों पर लगा रही रिफ्लेक्टर टेप। एसपी के आदेश पर चल रहा अभियान। झांसी में संजय वर्मा की 109 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 2 मकान और 14 हेक्टेयर जमीन जब्त। 4 मर्डर समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। सराफ और व्यापारी से लूट की वारदात में था शामिल। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हादसा। बाइक से लौट रहे रेलवे के वरिष्ठ माल बाबू को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हालत गंभीर।
बुलंदशहर में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद, विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग। गोंडा जिला महिला अस्पताल में चल रहा धड़ल्ले से रिश्वतखोरी का कार्य, रिश्वत लेते दिख रहे जिला महिला अस्पताल के कर्मचारी। हमीरपुर में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, पति की हत्या में नामजद विधवा महिला का पुलिस ने बनाया चरित्र प्रमाण पत्र। लखनऊ में रोडवेज में 75% अनुबंधित चलेंगी बसें, प्रमुख सचिव ने एमडी को पत्र जारी कर नियम को पलटा। हमीरपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी कर रहे स्कूली बच्चे, किताब की जगह फावड़ा चलाने की दी जा रही ट्रेनिंग। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ली परेड की सलामी, कहा पाठ्य पुस्तकों में शामिल होगा आंदोलन का इतिहास। उत्तराखंड में 5 घंटे में कई बार भूकंप से डोली धरती, दहशत का माहौल, घरों से बाहर भागे लोग। उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा, बोले 18 गुना बड़ा आकार ले चुकी अर्थव्यवस्था, जीएसडीपी का 30% से अधिक हुआ ऋण। उत्तराखंड में ही माइली संकल्प के साथ उत्तराखंड का 23वें वर्ष में प्रवेश, यह आंदोलन के बाद नया अस्तित्व में। उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा राज्य के लिए निर्धारित करने होंगे 3 लक्ष्य। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को मिलेगी नई बुलंदी, इस वर्ष चारधाम यात्रा में आए रिकॉर्ड तीर्थयात्री। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, 2.5 लाख कार्मिकों और पेंशन के डीए में 4% की वृद्धि। उत्तराखंड में फिल्मी स्टाइल में दिल्ली से पौड़ी पहुंचा प्रेमी, पिटने के बाद भी साथ में ले गया अपनी प्रेमिका को। उत्तराखंड के 73 वर्ष की उम्र में नहीं डिगा उत्तराखंड के रामकृष्ण का हौसला, 5000 मीटर दौड़ में जीता सोना। उत्तराखंड के रुड़की में 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, अचानक युवती ने अपने प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में दिनदहाड़े सड़क किनारे खड़ी मर्सिडीज का शीशा तोड़ लाखों का सामान उड़ाया, पुलिस ने दबोचा। पेपर लीक प्रकरण में 3 और आरोपी को जमानत, अब तक कुल 24 आरोपी आए जेल से बाहर। उत्तराखंड में जून में पकड़े गए बाघ ने ही फतेहपुर रेंज में जानकी और नंदी को मारा था, सैंपल रिपोर्ट में हुई पुष्टि। देहरादून में 2 दिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं चलेगा सुरकंडा देवी मंदिर का रोपवे, सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाएगा बंद। उत्तराखंड स्थापना दिवस में सीएम धामी की सौगात, 2.5 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए डीए के आदेश जारी। अमेरिका में टर्न इलेक्शन, अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी, 25 साल के मैक्सवेल होंगे संसद में सबसे कम उम्र के मेंबर।
रूस को जयशंकर के संदेश का अमेरिका ने किया समर्थन, कहा मोदी के बयान यह युद्ध का युग नहीं, ये भिन्न नहीं। अमेरिका के मध्य अवधि चुनाव में ट्रंप का आरोप, कई मतदाताओं को मतदान करने नहीं दिया गया, बैलेट पेपर से हुई धांधली। जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को दी चेतावनी, मॉस्को में अपनी एक सेंटीमीटर जमीन तक नहीं देगी यूक्रेनी सेना। शी जिनपिंग का ऐलान, सेना को और मजबूत करेंगे, युद्ध की तैयारियों पर चीन का जोर। महीनों के युद्ध के बाद नरम पड़े जेलेंस्की, यूक्रेन की शर्तों पर रूस के साथ बातचीत को तैयार। इटली की पीएम मेलोनी ने नाजी समर्थक को मंत्री बनाया, रेप जैसी पार्टियों पर रोक का कानून लाई, एक्सपर्ट बोले खतरे में अधिकार। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन, गृह मंत्री के घर पर धावा बोला, वजीराबाद में आज फिर शुरू होगा मार्च। नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, घर गिरने से 6 लोगों की मौत, दिल्ली यूपी समेत देश के 7 राज्यों से कांपी धरती। रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, बोले यूक्रेन युद्ध हमारे लिए बड़ा मुद्दा, बातचीत के रास्ते पर लौटे दोनों देश। ट्विटर अकाउंट के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, कंपनी सब्सक्रिप्शन पैकेज पर विचार कर रही है। मेटा में सबसे बड़ी छटनी, जुकरबर्ग ने कहा कंपनी के गलत कदमों के लिए वो जिम्मेदार, ग्रोथ की उम्मीद में ज्यादा भर्ती की। मस्क की नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से नीचे पहुंची, ट्विटर अधिग्रहण के बाद टेस्ला के शेयर बेच रहे निवेशक। पांच साल में स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट दोगुना से ज्यादा, बैंक डिपॉजिट 1.5 गुना ही बढ़े, ज्यादा ब्याज के कारण स्मॉल सेविंग्स स्कीम बनी पसंद। रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 रिवील, फ्लैगशिप क्रूजर 2 वेरिएंट्स में मिलेंगी। नायका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी जानवी कपूर, एक्ट्रेस बोली बेहद उत्साहित हूं। तेल कंपनियों को सितंबर तिमाही में करोड़ों का नुकसान, पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी ना होने के कारण हो रहा घाटा। पेटीएम दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया सामने, दूसरी तिमाही में कंपनी को 571 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ। एचसीएल रिलायंस साथ मिलकर बनाएंगी सेमी कंडक्टर, आईएसएमसी दोनों खरीद सकती है 30% हिस्सा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की उर्वरकों के संतुलित उपयोग की अपील, बोले डीएपी व यूरिया के विकल्प तलाश रहे। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप फाइनल वाले सवाल पर जोस बटलर का माथा ठनका, शाहीन आफरीदी के अंदाज में लूटी महफिल, भारतीय फैन को तिरंगे पर दिया ऑटोग्राफ।
एवी डिविलियर्स का बड़ा बयान, बोले भारत और न्यूजीलैंड फाइनल खेलेंगे और मुझे लगता है कि भारत जीतेगा। विराट कोहली सेमीफाइनल में पहले घायल, हर्षल पटेल की गेंद लगने के बाद पिच पर ही बैठ गए। सेमीफाइनल मैच से पहले डरा इंग्लैंड, उप कप्तान बोले सूर्यकुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। सूर्या के पेरेंट्स को रिश्तेदारों से मिलता था ताना, लोग कहते थे क्रिकेट में डालकर बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज का दावा, टी20 विश्व कप में भारत पाक फाइनल, व्यूअरशिप में पूरे फीफा वर्ल्ड कप को छोड़ सकता है पीछे। मोइन अली का बड़ा बयान, बोले आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हुए एमएस धोनी ने सीखी कई चीजें। सानिया सुएब में तलाक हो सकता है, पाकिस्तान मीडिया का दावा, दोनों अलग रह रहे। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को झटका, 150 की रफ्तार में गेंदबाजी करने वाले मार्क वुड चोटिल। रश्मिका मंदाना हुई नेगेटिव, लोगों से परेशान, पोस्ट शेयर कर बोली मैं लोगों के लिए पंचिंग बैग की तरह बन गई हूं। रिया कपूर ने नई फिल्म की अनाउंसमेंट, द क्रू में करीना कपूर, कृति सनन और तब्बू साथ आएंगी नजर। हॉस्टल डेज के तीसरे सीजन का टीजर हुआ रिलीज, फिर दिखेगी कॉलेज के 6 दोस्तों की मस्ती, आखिरी बार नजर आएंगे राजू श्रीवास्तव। बोनी ने कसा अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों पर तंज, बोले 25-30 दिन के काम पर पूरे पैसे चाहिए, फिल्म कहां अच्छी बनेगी। सैफ अली खान के साथ दिखे इब्राहिम अली खान, पापा के साथ चिल करते नजर आए, वीडियो देख यूजर्स बोले जुड़वा लग रहे। बढ़ी साजिद खान की मुश्किलें, मॉडल ने लगाया दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। प्रभास की आदि पुरुष के कुछ सीन होंगे रीशूट, रावण के वाहन से लेकर प्रभास सैफ के लुक में किए जाएंगे खास बदलाव। शिल्पा सेट्टी ने गुरु नानक जयंती पर किया सूर्य नमस्कार, वीडियो शेयर कर कहा जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। दो साल बाद वापसी को तैयार नाना पाटेकर, प्रकाश झा की वेब सीरीज में आएंगे नजर। केआरके ने शाहरुख की फिल्म पर साधा निशाना, कहा बॉलीवुड वाले सिर्फ कॉपी करने में मास्टर हैं। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच सा